नमस्कार संसार क्रांति की टीम, इसमें जींद मंगलम लैब में मौजूद है और हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं इसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर भुवन नागपाल जी। अधिक जानकारी के लिए हम डॉक्टर साहब से ही चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी डॉक्टर साहब, यदि जींद मंगलम लैब की हम बात करें तो जींद के अंदर आसपास में हम लैब की एक कमी महसूस करते थे और जिस कमी को लगभग हमें लगता है जो आपके पास मशीनें हैं या जो टेक्निकल लैब को लेकर के जो मशीनें आपने यहाँ इंस्टॉल की हैं और डायग्नोज की बात जहाँ तक आती है उसको एक डिजीज को दूर करने के लिए किस दिशा में देखते हैं, किस दृष्टि से आप देखते हैं अच्छे तरीके से किसी भी रोग को दूर करने के लिए अच्छा टेस्ट कहाँ तक अपनी भूमिका निभाता है? देखिए, जींद मंगलम लैब जो है ये हिसार की ब्रांच है जी, और हिसार मंगलम डायग्नोस्टिक्स जो है वो भारत का एकमात्र ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसकी छत के नीचे सारी डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध है। उसी मॉडल को देखते हुए हमने जींद में भी एक डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया जहां पे हम सारी सेवाएं डायग्नोस्टिक सेवाएं एक उपलब्ध करा रहे हैं और बहुत ही ठीक दामों पे उपलब्ध करा रहे हैं ताकि मरीज को जो पहले रोहतक या हिसार जाना पड़ता था तो वो सारी सेवाएं जो हैं जींद में ही उपलब्ध हैं जी। यहाँ पे हम पूरी लैब की सेवाएं, लैब में सब अत्याधुनिक मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन है, कलर डॉपलर हो जाएगा, एक्सरे, ओपीजी, ईसीजी, सीटी स्कैन का प्रबंध भी हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि हम यहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी की सेवाएं भी दे रहे हैं जो कि और कोई डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं दे रहा था जी। तो हमारे पास ये है कि एक ही छत के नीचे जब मरीज आए तो उसको सारी सेवाएं उपलब्ध हो ताकि वो अपना हर तरीके से डायग्नोसिस करा के जाए। कई बार देखने में आता है कुछ लोग जरूरतमंद होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उन लोगों की मदद के लिए आपकी लैब की क्या रूपरेखा रहती है, क्या दृष्टिकोण रहता है आपका? उसके लिए सबसे पहला कदम तो हमने यही उठाया कि नागरिक अस्पताल जींद जी से हमने MOU किया तो वहाँ पे हम गर्भवती महिलाओं का जो अल्ट्रासाउंड है वो 350 के उस पे कर रहे हैं। उसमें मरीजों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, वो सरकार द्वारा ही पैसा दिया जाएगा और बाकी जो आर्थिक रूप से उतने कमजोर लोग हैं तो उसके लिए हम स्पेशल कंसेशन डिस्काउंट भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको बिना डायग्नोसिस के यहाँ से भेजा जाता है, तो जितनी आर्थिक रूप से सेवा हम दे पाएंगे उतनी हम दे रहे हैं। तो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए या अवेयर होने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि मैं तो ये दूंगा कि अपना हेल्थ चेकअप करवाइए, क्योंकि आज हम जिस संसार में रह रहे हैं वहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, उसके कई वायु प्रदूषण है, खान पान और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बदल गया है। तो उस हिसाब से जब तक चेकअप ना हो तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। तो समय समय पे जांच करवाओ, समय समय पे जांच करवानी आवश्यक है, साल में एक बार हेल्थ प्रोफाइल करवाना जरूरी है। तो ये थे जींद मंगलम लैब के डिप्टी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर भुवन। इनका स्पष्ट तरीके से कहना है जींद मंगलम लैब एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रही है और जिन डिजीज के लिए चेकअप के लिए बहुत दूर दूर तक यहाँ के जींद के जो निवासी उनको जाना पड़ता था, उनको हिसार या रोहतक जाना पड़ता था, अब उनको एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। दूसरा, हेल्थ के प्रति जागरूक करने की बात भी इन्होंने कहा, साल में एक बार हमारा हेल्थ चेकअप जरूर हमें करवा लेना चाहिए, पूरे बॉडी का प्रोफाइल हमें चेकअप जरूर ले लेना चाहिए ताकि कोई भी जो डिजीज है वो बड़ा रूप ना ले और उसके बड़ी हानि हमें न उठानी पड़े। जिनसे संसार क्रांति के लिए कर्मवीर आर्य है।